13 अप्रैल 1919 रोलेट एक्ट के विरोध में चल रहे आंदोलन के समर्थन में हजारों लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए। आंदोलन तेज हो रहा था। जनरल डायर ने इस बाग के मुख्य द्वार को अपने सैनिकों और हथियारबंद वाहनों से बंद कर दिया और फिर अपने सैनिकों को आदेश दिया निहत्ती भीड़ पर गोली बरसाने का। भीड़ पर बिना किसी चेतावनी के 10 मिनट तक गोलियों की बरसात हुई। इस नरसंहार में तकरीबन 1000 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 1500 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार मरने वाले लोगों की संख्या 379 और घायल लोगों की संख्या 1200 बताती है। इस नरसंहार के 100 साल बाद इस घटना पर ब्रिटिश सरकार द्वारा माफ़ी मांगने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे पहले ब्रिटिश शासन के दौरान हुए इस हत्याकांड के शताब्दी वर्ष के सिलसिले में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में हुई बहस के दौरान एक सांसद बॉब ब्लैकमैन ने सदन से कहा था, ब्रिटिश सरकार औपचारिक माफ़ी की मांग पर विचार करे। उन्होंने आगे कहा, मैं शर्म के साथ कहता हूँ कि उस दौर में कंजर्वेटिव पार्टी और अधिकांश सैन्य प्रतिष्ठान ने जनरल डायर का बचाव किया था। We owe it to the victims and their families to never forget what happened in our name. So I hope that we will see an apology, not just an acceptance of a terrible crime, but an apology from the British government. And when the minister replies, I look forward to him not just explaining away what happened, but apologizing for our involvement and what was done in our name. That would be a start. It would clear the air. Equally, I hope that ministers will go to commemorative events in India later this month, and in particular in July, when I understand the museum will be formally opened. भारतीय मूल के सांसद वीरेंद्र शर्मा के अनुसार जलियांवाला बाग के नरसंहार के विषय में ब्रिटिश मूल की ज्यादातर जनसंख्या अनभिज्ञ है। इसकी जानकारी ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों को ही है। इस घटना ने भारतीय जनता के लिए ये साबित कर दिया था कि भारत में ब्रिटिश राज क्रूर और अमानवीय है। उन्होंने ये भी कहा कि इस घटना को ब्रिटिश स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे आधिकारिक बयान देते हुए कहती हैं, जो भी हुआ था और उससे लोगों को जो पीड़ा हुई उसका हमें बेहद अफसोस है। थेरेसा मे ने इस घटना को ब्रिटिश भारतीय इतिहास में शर्मनाक दाग बताया। इस संबंध में ब्रिटिश संसद के 80 सांसदों ने विदेश सचिव को भारत से औपचारिक माफीनामे के लिए लिखा। उन्होंने कहा कि वो उन परिवारों के लिए शोक व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस घटना में अपने परिवारजनों को खोया था।